प्रकाशमान गुरगद्दी दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान हुंदे आ आए पावन हुक्म दी विचार अते पावन हुक्म दे शब्द पाठ नूं श्रवण करन हित इस समय आप जी गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब जी दे पावन दर नाल जुड़ बैठे हो। साहिब रहमत करन ये जो पावन हुक्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 704 अंग तो आरंभ होके 705 अंग ते संपूर्ण हुंदा है। इस शब्द नू बड़ी श्रद्धा नाल बड़ी भावना नाल बड़ी एकाग्रता नाल अपने जीवन का अंग बनावन लई जुड़िए। सुरत शब्द दे घर भी चली जाए, वो सुरत दुनिया नाल जुड़ी दुनिया की उडारी मारदी है। सुरत शब्द नाल जुड़ जाए तो वाहिगुरु जी दे दर घर नाल एक मिगता मिल जाती। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवा घर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैत श्री राग है पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण होया शब्द है। राग का संबंध जिथे जैत श्री नूं संबोधक है उत्थे ताल का संबंध दूजे घर की हदायत करदिया सतगुरां उच्चारण किया है। घर दूजा इस शब्द की जो छंदाबंदी है वो छंत दे आधार ते हजूर ने की है, जिस विच चार श्लोक ते चार छंत ने, दो पंक्तियां दा एक श्लोक है ते छे पंक्तियां दा एक छंत है। इंज 32 पंक्तियां दा पावन शब्द है। हजूर आरंभ करदे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द पढ़न तो पहले ही उस करते नाल ऐसा जोड़िया है। अगर रसना ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद उचारिया जाए हिरदे विच एक ओंकार नू वसा लिया जाए वो एक है। अनेक संसार विच रहिंदा है पर एक है। सूरज एक है, अनंत किरणा पसरियां ने ज्यों पसरी सूरज किरण जोत त्यों घट घट रमैया ओत पोत। अनंत किरणा है पर आप एक है। उसकी अनंत शक्ति रूप किरणा तमाम संसार विच समोईयां ने पर आप एक है। ओंकार अपने चो आकार पैदा करके फिर अपने विच ही टकाई रखदा है। एक दिन अपने विच समो लैंदा है ते तमाम आकारां दा करता उसका परिचालन करन वाला उसनू अपने विच समो लैन वाला ओंकार स्वरूप है। उसनू जानन दे लई
समझन लई मिलन लई ते एक मिकता प्राप्त करन लई जरूरत है सतगुरु प्रसाद। सतगुरु दा प्रसाद हो जाए, सतगुरु दी कृपा हो जाए, ये सच है। संपूर्णता ते कड़ा प्रसाद लईदा, पर पहला संगत विच बैठिया गुर प्रसाद प्राप्त करीदा। जिन्हां ते गुरु कृपा कर देवन उन्हां नूं उस वाहिगुरु करते दी अनुभवता ते इक मिकता मिल जांदी है जी। सलोक ऊचा अगम अपार प्रभु कथन न जाए अकथो। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ऊचा है, सिरमोर है, सब तो वड्डा है, अगम है। अगम दे अर्थ ने उस तक साड़ी गम्यता नहीं, पहुंच नहीं। ध्यान च रखियो, कुछ संसार ते पदार्थ ने नजर पहुंच जाती है। 9.5 करोड़ मील की दूरी ते सूरज है, उस तक नजर पहुंच जाती है। चंद बहुत दूर है, नजर पहुंच जाती है। कुछ संसार दे पदार्थ ने उन्हां तक हाथ पहुंच जाता है। ध्यान च रखियो, किसी वस्तु नूं चखण दे लई रसना रस लैण लई रसना दी पहुंच हो जाती है। खुशबू हवा विच फैली है, नक पहुंच जाता है। ध्यान च रखियो, किते हाथ पहुंच गया, स्पर्श होया, नजर पहुंची ते रूप तक पहुंच हुई, खुशबू तक नासका दी सुगंधी लैण दी किरिया दी पहुंच हुई, रसना दी रस तक पहुंच हुई। पर उस वाहिगुरु नूं मैं बेनती करा, 5 ज्ञान इंद्रिये नहीं पहुंच सकते। ते कुछ ऐसा भी है, मान लो किसी अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया अपने रिश्तेदार संबंधियों नूं मिले सी, इस वक्त दूर ने, पर सिमृति दे रूप विच मन पहुंच जांदा है। ध्यान च रखियो, किते 5 ज्ञान इंद्रियां दी पहुंच हो गई, किते मन दी पहुंच हो गई, किते बुद्धि पहुंच जांदी है। दिमाग विच कुछ संग्रह कीता सी, ओ सिमृति होई, मन बुद्धि 5 ज्ञान इंद्रिये पहुंच जांदे ने, पर वाहिगुरु तक 5 ज्ञान इंद्रिये मन बुद्धि दी पहुंच नहीं। इस करके उस नूं कहिंदे ने अगम, अपार, जिस दा पारावार नहीं है, कित्थों तो लैके कित्थों तक है नहीं कह सकदे। ऊचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ। कुछ रसना दे बोल ने किसे नू बयान कर देंदे ने, इहो जिहा है, पर हजूर कहंदे ने उस नू जुबान दे बोलां नाल भी कथन नहीं कीता जा सकता। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट करोड़ां करोड़ां वार भी जुबान बोले पर उस नू कथन नहीं कर सकती। उस नू कह सकते हैं वो अकथ है जी। नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ। 5वें पातशाह गुरु नानक दे स्वरूप कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरी शरणागत हाँ, ठाकर तुम शरणाई आया। ऐ प्रभु आपदा स्वभाव है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। भरोसा रखियो, पूर्ण तौर ते समर्पित हो जायो, प्रभु तेरे हैं, तेरा ही आसरा है, मैनू तेरे बिना होर कोई सहारा नहीं है। अंदरों तर के ऐसी भावना नू शरण होना कहंदे ने। और ये भी विश्वास रखियो भी जे रब दी शरण चले गए की मजाल है, कोई दुख कोई संसार दे विकार या जीवन भर दे पूर्वले कर्म वो अपनी गिरफ्त विच लै लैणगे,
ना सिंह सरन कत जाइए जो जंबक ग्रास है जंबक गिदड़ भला शेर दी शरण गया गिदड़ खा सकते ने ए औगण विकार पूर्वले कर्म गिदड़ दी तरह ने प्रभु तुसी सिंह दी तरह हो आप जी दी शरण चले जाइए ते आप राखण को समर्थ नानक प्रभ शरणागति राखण को समर्थ तुसी रखिया करन दी समर्थ रखदे हो ताकत रखदे हो हे शरणागत के प्रतपालक भवजल तारन को पद पोता आप शरणागत आए दी प्रतपालना करन वाले हो। मैं बेनती करा कमजोर बंदे कोल कोई चला जाए ते ए आखे मैं तेरी शरण आया मेरे मगर कोई बड़ा डाकू कोई ताकतवर बंदा मैनू मारन वास्ते लगा मैनू बचा लै वह कहेगा भरा चला जा तेनू बचांदियां बचांदियां मैं भी ना मर जावां। हकीकत है ना उस दी शरण ना जायो जो रखिया करन दी समर्थ ना रखदा होवे ओ वाहिगुरु रखिया करन दी समर्थ ताकत रखदे ने हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हाँ जी। संत ज्यो जन हो त्यों राख हर प्रभ तेरिया गोछंत दा आरंभ करदे आ गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने ज्यो जानो त्यों राख जिवें भी जानो हे प्रभु जिवें भी कृपा करो कर दियो मैं तेरा हां आप तो बगैर मेरा होर कोई भी नहीं है जी। केते गणो असंख अवगण मेरिया केते गणो असंख अवगण मेरिया मैं किन्ने क गिनती करके दसा भी मेरे विच किन्ने क अवगण ने जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगण हमारे मालिक असी खते बहुत कमाम दे किश अंत ना पारा वार कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार। मैं बेनती करा कदी दावा ना करियो मैं पुण कर्म करदा मैं धर्म कमाउंदा मैं बाणी पढ़दा पढ़दे होइए नितनेम करदे होइए धर्म कमाउंदे होइए तद भी अपने उस धर्म नूं अगे रख के रब नाल गल नहीं करनी बल्कि यह कहना मालिक पता नहीं मैथों किन्नियां क गलतियां होंदियां नज़र गलती कर दी जबान दे बोल गलती कर दे मन दी चितवना गलती कर दी ते शरीरक तौर ते भी मैं किन्नियां गलतियां करदा पता ही नहीं है। केते गणो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण ने मेरे मालिक मैं किन्नी की गिनती करके आखां जी। असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया असंख अवगण ने खते कहिए मेरिया गलतियां ने ते फेरे दे अर्थ ने मैं बार बार उसे फेरे विच ही रहिंदा फिर कीती गलती फिर कीती गलती ए मेरे मालिक नित प्रत सद भूली है। एक तो होंगे ना भी हफ्ते बाद भुले कोई महीने बाद भुलिया पातशाह मैं ते नित प्रति भुलदा हर रोज भुलदा खिन खिन भूलन हार वाली मेरी हालत है पातशाह जी मैं अपने अवगुण अपनिया गलतियां किन्निया के दसा जी। मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कुलिया मगन होना सी नाम विच मैं मोह विच मगन हो गया मस्त हो गया मोह पहला अपने तन दा परिवार दा जायदाद दा तन संपदा दा परिवार दा सच है इस मोह दे विच इतना मगन होया हजूर कहंदे ने ए विकराल माया है बड़ी भयानक है बड़ी खतरनाक है पातशाह जे तुसी कृपा कर दियो ते ए सारे मोह मगन विकराल माया दे औगण विकार नष्ट हो सकदे ने आप मेरे ते कृपा करो जी। लोक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया
लूक करत लुक के करदा छिप के करदा बिखड़े बहुत भयानक बड़े खतरनाक बड़े जिंदगी विच औखियाई पैदा करन वाले पातशाह ओ विकार जो बिखड़े ने उन्हां नाल मेरा बड़ा स्नेह अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छिपावे प्रभ नेर हूं ते नेरे आ नेड़े तो भी नेड़े हो बहुत नजदीक हो ये नहीं है किते नजदीक बार खलो के वेख दे हो तुसी ते मन दे विच ही बैठे पे देख दे हो तुसी ते मेरी बुद्धि दे अंदर ही समोए होए हो हे प्रभु आप बहुत मेरे नेड़े हो ये साचे बंदे नू दुनिया नेड़े दिसदी है रब दूर दिसदा है ते धन गुरु अंगद देव जी की महिमा गाउंदे आ मैं बेनती करा रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी दी बाणी दे विच सतगुरु कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी नेड़ै दिसै मात लोक तुद सुझै दूर सानू सारियां नू आ मात लोक आ दुनिया नेड़े दिसदी है रब दूर दिसदा है पर आप जी नू दुनिया दूर दिसदी है रब नेड़े दिसदा है नेड़ै दिसै मात लोक सानू की है ये मात लोक नेड़े दिसदा है तुद सुझै दूर तुसी दुनिया तो दूर हो रब दे नेड़े हो ते सानू रब नेड़े दिसे ना ते जिंदगी दा नक्शा कुछ होर हो जाए जी बिनवंत नानक दया तार हो काड पवजल फिरिया बिनवंत दे अर्थ ने बेनती कर दिया जोधरी कर दिया अरजोई कर दिया ए मालिक रहमत करो बिनवंत नानक दया तारो दया करो मेरे ते तरस खाओ ना पातशाह मैं शरण विच आया मैनू कढ लो ये पवजल दे फेरे तो कढ लो किन्नी क वार डुबांगा इन्नी बार रोज गोते खांदा रोज डुबदा पातशाह रहमत कर दियो इस पवजल दे बड़े भयानक संसार दे जाल चो मैनू बाहर कढ लो आप रहमत करके कृपा दृष्टि करके मैनू बाहर कढ सकदे हो मेरे ते दया करो तरस खाओ कृपा दृष्टि करो ते इस पवजल दे फेरे तो बार बार जम्मन मरन दे ते औगन विकारां विच डुबन दे फेरे तो मैनू बाहर कढ लो जी सलोक निरत न पवै असंख गुणा ऊचा प्रभ का नाओ हजूर दूजे सलोक विच कहिंदे ने निरत ना पवै असंख गुण इत्थे निरत दे अर्थ नाच नहीं है नचना नहीं है प्रसंग दे आधार ते संस्कृत भाषा का शब्द है निर्नीत उसनू प्रकृतक भाषा विच उचारिया ने निरत ते निरत दे अर्थ ने निरना पातशाह मैं आप जी दे अनंत गुण उन्हां दा वर्णन नहीं कर सकता निरना नहीं कर सकता आप विच किन्ने क गुण ने बस यही फर्क है मेरे विच असंख अवगण खते फेरे ते आप विच असंख गुण ने इतने गुण ने तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना ए मेरे मालिक मैं नहीं कह सकता वेखो भुलदा फिर भी सवास देंदे हो बड़े बड़े चोर डाकू कातल बड़े भयानक लोग ने उन्हां नू फिर भी रोजी भी देंदे हो सवास भी देंदे हो ये गल वक्री है रोजी रोटी सारियां नू देंदे हो जो कर्म करदे ने उस दा फल भी ते झोली विच पांदे हो ना ए मेरे मालिक असंख गुणा दे मालिक हो उच्चा प्रभ का नाओ आप दा नाम उच्चा है सब तो सिरमोर है आप भी वड्डे हो आप जी दा नाम भी बहुत वड्डा उच्चा है जी नानक की बेनंतिया
ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਿਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਿਥਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਲਾਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਿਥਾਵਾਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜੁਲਾਹੀ ਜੁਲਾਹੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਥਾਵੇਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਮਹੋ ਨਿਥਾਵਨ ਥਾਨ, ਤੁਮਹੋ ਨਿਮਾਨਨ ਮਨ, 12 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਸਹਾਰਾ ਓਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੰਤ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪਹਿਜਾਈਐ। ਅੱਗੋਂ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ ਕਾ ਪੈ ਜਾਈਐ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਏ, ਤੇ ਕਰ ਜੋੜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਵਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਚੋਂ ਤੂੰ ਚਿਤਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਵਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸਦਾ ਧਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆ। ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਨੇ ਚਿੰਦਿਆਂ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆ ਵੀ, ਮਾਨ ਛੱਡ, ਮੋਹ ਛੱਡ, ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੇ, ਉੱਧਰ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਮਿਰਗ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਏ, ਉੱਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ ਮਾਨ
मोह मान छड भावें बड़ा धन होदा हो तेरी बहुत उच्ची गल हो रब दे घर ते गुरु दे चरणा विच निमाना बनिया रही ते ए आखी मालक तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान ए मालक ए तेरा दिता मान है मैं मान कादा करा मोह छड तज मान मोह विकार दूजा ते की कर एक स्यों लिव लाइए अंदर दी लिव एक नाल जोड़ ले लिव प्यार भरी बिरती लिव दे की अर्थ ने प्यार भरिया ध्यान प्यारे नाल प्यार दी बिरती निकलती है उस वाहिगुरु नू प्यारा बना ते अंदरों प्यार भरिया ध्यान बना बस ए लिव एक नाल जोड़ ले जी अरप मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइया अर्प मन तन प्रभु अगे अर्पण कर दे समर्पित हो जा अर्पण दे अर्थ ने अंदर दी भावना विच मन नू परमेश्वर दे समर्पित करी रखना मन तू मत मान कर जे कुछ जानदा भी है ना ये ना कह भी मैं जानदा नहीं मन भी अर्पण कर दे तन भी अर्पण कर दे मालक मन भी तेरा पाया ते तेरे पाए मन नाल चलाया तन भी तेरा ही चलाया बस ये भावना रख के प्रभु अगे मन तन अर्प कर ते आप सगल मिटाइए सगल मिटा पूर्ण तौर ते आपा मिटा दे सब कुछ कर कर परिवार चला कारोबार चला धन संपदा संग्रह कर पर हर वेले ए जानदा रह मालक ए सब तेरी कृपा है शक्ति तेरी है दिता तेरा आपा पूर्ण तौर ते अंदरों मिटा दे जी बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइया बेनती करदे हां ए मालक मेरे ते कृपा तार दे अर्थ ने टिका दे बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइया कृपा करो उस सच्चे नाम विच एक मिक हो जाइए समा जाइए वाहिगुरु 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 कहंदे आ वाहिगुरु विच असी पूर्ण तौर ते लीन हो जाइए मेरे ते ऐसी कृपा कर दियो जी सलोक रे मन ता कौ ध्याईऐ सब बिद जा कै हाथ हरजूर सलोक विच कहंदे ने रे मन अपने आप नू आप संबोधक होयो रे मन ता कौ ध्याईऐ सब बिद जा कै हाथ उस नू ध्याईए अंदरों आराधन करिए जिस दे हाथ विच सारियां युगतियां ने विद तरीके ने युगतियां ने वह सब कुछ कर सकदा है वह दुखां विचों कढ़न दी युगति भी बना सकदा है मैं बेनती करा वह सुख साडे घर ग्रह परिवार विच भेजन दे राह भी आपे ही खोल सकदा इस करके जिस दे हाथ विच सब विधि है सब तरीका है उस वाहिगुरु नू ध्याईए जी राम नाम धन संचिया नानक निभाए साथ राम नाम दे धन नू संचिए इकट्ठा करिए मैं बेनती करांगा संचिए दे एक अर्थ ने सिंजना जिवें जमीन नू पानी ला के सिंजिया जांदा है उह धरती खुशक नहीं रहिंदी सरशार हो जांदी है ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਸੰਚੀਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਲਿਆ ਉਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਭ ਹੈ ਸਾਥ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੰਤ
साथी अड़ा प्रभ एको दूसर ना है कोई। हजूर छंत विच कहंदे ने साथी अड़ा प्रभ एक दूसर ना है कोई, साथ देन वाला एक वाहिगुरु है। सर्वे जोय गच्छमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लंगनो लाभ ना पूंजी साथ। साथी अड़ा प्रभ एक सर्वे जोय आ सब कुछ जो दिसदा है अगछमी ध्यान च रखियो ये चले जान वाला है रहन वाला नहीं है। गछमी दे अर्थ ने चले जाना पर अगछमी दे अर्थ ने तेरी सुरत विच ये गल बैठ जानी भी रहना है। ते जे इस नू गछमी जानांगे दुख नहीं, जे अगछमी जानांगे भी रहेगा नाल जाएगा साथ देवेगा सहारा है। ते हजूर कहंदे ने तू ये समझी जिन्ना धन संपदा जायदाद साजो समान परिवार ओदे इकट्ठे करी बैठे ये सारे दुख इकट्ठे करी बैठे। सर्वे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लादस लदने हीरे सी लदी फिरदा कलर जे मिट्टी भी नहीं है मिट्टी लदे ते उस विच कुछ बीज लेवे मिट्टी दे उपर आया कलर जिस विच कुछ भी पैदा नहीं हुंदा तू कलर कठा करी बैठा है। सार लंघनो समुंदर लंघना चाहुंदा किवें लंघेगा समुंदर। कालर लादस सार लंघनो लाभ ना पूंजी साथ, इत्थे ना लाभ मिलिया ना कोई पूंजी कठी होई जिसने साथ जाना सी। साथ कौन है? साथी डा प्रभ एक दूसर ना ही कोई, उस वाहिगुरु तो बिना होर कोई साथी नहीं है जी। थान थनंतर आप जल थल पूर सोए, थान इस वक्त जिथे बैठे हैं जगह ते थनंतर ऐस जगह तो लैके होर दूर तक जिथे किथे भी कौन है? ओ प्रभु आप है। हजूर कहंदे ने थान थनंतर आप वाहिगुरु हर थान थी आप है, इथे भी है जिथे उठ के चले जावांगे उथे भी वाहिगुरु आप होवेगा। इस करके ओ है जल थल पूर सोए, जल विच भी ते थाल विच भी। थोड़ा ध्यान च रखियो एक हुंदा भी पानी होर ते पानी विच सोई वस्तु सुट दईए ते कहिए पानी विच है, इंज नहीं है बल्कि आपे जल आपे थल थम्मन आपे किया घट घट वासा। सरगुण स्वरूप विच जल भी आप बने है, थल कहिए धरती भी आप बने है, पूर सोए परिपूर्ण है जल थल विच वाहिगुरु आप ही। जल थल महियल पूर रहिया सर्वदाता प्रभ धनी, जल विच थल विच ते मही नाम है धरती दा, अल नाम है आकाश दा, धरती तो लैके पुलाड़ तक महियल सब थावां ते पूर रहिया ओ परिपूर्ण है। फिर सर्वदाता प्रभ धनी, दुनिया विच धनी लोग बहुत होंगे, शायद दाता भी वंडदे होण ते दाते कहलांदे होण, पर किन्नियां कु नूं दाता वंड लैणगे? पर ओ वाहिगुरु सर्वदाता पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचार, ओ तमाम संसारक जीवां नूं दाता देन वाला है जी। गोपाल गोबिंद अंत नाहीं बेअंत गुण ताके क्या गणी, गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गणी। वो ऐसा गोपाल गो कहिए धरती दी प्रतपाल कहिए प्रतपालना करन वाला, गोबिंद गो कहिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय उन्हां नूं शक्ति सत्ता स्फूर्ति देन वाला, गोपाल गोबिंद अंत नाही उस दे गुणां दा कोई अंत नहीं, बेअंत गुण ने ताके क्या गणी उस दे गुणां दा मैं की वर्णन करां जी। पज सरण सुअमी सुख है गमी तिस बिना अन नाहे कोई, उस नूं पज स्वामी दी शरण जा ओ सुख है गमी है, ओ दुख नहीं दिंदा दुख कटदा
सुख प्रदान करता है, उस तो बिना होर जीवन का कोई सहारा नहीं है जी। बिनवंत नानक दया तारहु तिस परापत नाम होई। बेनती करते ने सह पातशाह के दया तारो, जिस ते दया करो तिस परापत नाम होए। नाम सुनिया बड़ा है, नाम रसना तो बोलिया भी है, पर अजे नाम प्राप्त नहीं होया, नाम एक मिक सुरत विच नहीं होया। पातशाह दया कर दियो, मैनू नाम प्राप्त हो जाए, मिल जाए, नाम नाल एक मिकता हो जाए, यानी नामी नाल मैं हर वेले जुड़िया रह सका, अगर आप दया कर देवो जी। सलोक चित जे चित वेया सो मैं पाया। हजूर कहंदे ने सिमरन ते कर, जुड़ के ते वेख, फिर चित जे चित वेया, जेड़े मेरे चित ने चित वेया वो प्राप्त हो गया। जो जो चित में साध जन सो लेता मान, दुनिया चितवन बहुत कर दी पर मिलता कुछ नहीं। अगर बंदगी सिमरन अभ्यासी जीवन बन जाए ते जेड़ा चित विया हजूर कहंदे ने उही प्राप्त हो गया। नानक नाम ध्याए सुख सबाया। सतगुरु कहंदे ने नाम ध्याया, सिमरन कीतिया, सुख सबाया, सारे ही सुख ओ रोज वधदे जांदे ने, ओ सुख पूर्ण तौर ते जीवन विच प्राप्त हो जांदे हन जी। शांत अब मन छूट गया साधु संग मिले। मन औगना विच बजा होया सी, बंधन विच पिया होया सी, हुण मन छुट गया, मन आजाद हो गया। ध्यान च रखियो, वो जिहड़ा मन छुट गया, अगे काम विच बद्धा, क्रोध विच बज्जा, लोभ मोह हंकार विच बद्धा होया सी, हुण मन आजाद हो गया, मुक्त हो गया। किवें? साधु संग मिले, साध संगत कीती, गुरु चरणा विच आए, मन हुण आजाद मुक्त हो गया जी। गुरमुख नाम लिया ज्योति जोत रले। गुरु दे मुख तो नाम दी दात प्राप्त होई, हुण ज्योति जोत रले। ध्यान च रखियो, मन तू जोत स्वरूप है, ओ जोत ज्योति रिच व्यापक प्रभु विच एक मिक हो गई। हुण ते सब मैं जोत, जोत है सोए, हुण उस अवस्था विच हर वेले ध्यान दा जुड़ना बन गया जी। हर नाम सिमरत मिटे किल बिख बुझी तपत अगानिया। हरी नाम सिमरन कर दिया तपत बुझ गई, किल बिख मिट गए, किल बिख पैड़े काले औगन विकारी पाप वो सारे मिट गए। हुण तपत हिरदा सड़दा सी, कदी ईरखा नाल, कदी क्रोध नाल, कदी काम नाल, ये सारे दे सारे औगन विकारां दी तपश हुण तपत कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो गुरु नानक रहमत पौन, ते कौडे राकश वल नजर भर के तकन, ते कौडे राकश दा हिरदा भी ठंडा कर देन, ओ कड़ाहा तपदा भी गुरु नानक दी नजर नाल ठंडा हो जाए। जिस ते रहमत कर देन नाम सिमरन दी बरकत मिल जाए। अंदर हुन त्रिपत बुझ गई अगानिया, रज गया, त्रिपत हो गया, हुन दुनिया दी सारी भुख मुक गई है जी। गह पुजा लीने दया कीने अपने कर मनिया। हुन वाहिगुरु ने गह पुजा लीने बांह फड़ के अपना कर लिया, ते हजूर कहंदे ने हुन हुण लग्या भी रब मेरा है, अपना कर मन। जदों अपना वाहिगुरु बना लैन ते क्यों ना साडा मन मन्ने भी वाहिगुरु जी मेरे ते मैं वाहिगुरु जी दा हो गया जी। लाए अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले। उसने वाहिगुरु ने अपने गले लाया, हरी ने मिला लिया। हजूर कहंदे ने हुण जम्मन ते मरण दे जिहड़े दुख सन ओ सारे सड़ गए, हुण जिंदगी आनंद विच भर गई जी। बिनवंत नानक दया तारी
मेल लीने एक पाले। बेनती करदे ने मालिक ने दया कीती, मिलांदियां देर नहीं कीती, मेल लीने एक पले, एक पल लगा ध्यान च रखियो। सुरत वाहिगुरु कर दिया, वाहिगुरु च लीन हो जाए ते क्यों ना छेन विच ही मिल जाइए, ते ओ मालक आप रहमत करन। मेल लीने एक पले, एक पल विच ही ओ मेल लेंदे ने। इस अज दे पावन हुक्म दी विचार, अज भाई लालो जी दा जन्म दिहाड़ा भी है, मैं बेनती करांगा आओ भाई लालो जी। एक ओ सिख ने जो गुरु नानक पातशाह जी आप उन्हां दे घर जांदे ने, देखो कैसी अंदर निम्रता है, भाव है, दरवाजा खटखटांदे ने, आवाज देंदे ने, भाई लालो, भाई लालो। आवाज सुनी, अज तक ऐसे ते बड़े आए सी, कहिंदे वे लालो ये कौन आए ने एडे प्यार च, भाई लालो, भाई लालो। भाई एडी आवाज रस भरी, सत्कार भरी, बड़ी छेती नाल आए ने, दरवाजा खोले है, सामने एक अलौकिक जी देव मूर्ति दे दर्शन दीदार गुरु नानक पातशाह जी दे करदिया निहाल हो गए। मेरे साहब पुछते ने की प्या करीना है। मैं बेनती करा तरखाने का काम करने वाले भाई लालो जी, कहिंदे महाराज किले कढ़ेंदा, ते मेरे साहब कहिंदे ने सारी उम्र किले ही घड़दा रहेगा कि कदी मन भी घड़ेगा। पातशाह मैनू एक उस्ताद मिलिया सी जिसने मैनू किले घड़ने सिखाए, ते घड़दा ही रहा। लगदा है अज तक कोई नहीं मिलिया जिसने मैनू मन घड़न की गल दसी होवे। ते पातशाह लगदा आ गए हो, कृपा करो, किले घड़न वाले मेरे उस्ताद ने किले घड़ने सिखाए, मन घड़न की जाच तुसी सिखा दिओ। मेरे साहब अंदर गए ने, घरवाली वेखिया है, एडे महापुरुष रब्बी जोत आ गए ने, इन्हां नूं मैं चौंके च बिठा के भोजन छकावांगी, चौंका सुचा कर लवां। गोहा मिट्टी लैके जदों चौंका पाउण लगी ना, मेरे साहब कहिंदे ने की करदी है जी, मैं चौंका सुचा करन लगी हाँ। मेरे साहब कहिंदे तेरा भाव हिरदे की भावना ही साढ़े वास्ते चौंका है, असी बाहर की धरती ते ही नहीं बैठन वाले, किसे हिरदे दे भाव भिन्ने, हिरदे विच बैठन वाले हाँ, रहन दे चौंका। ध्यान च रखियो जदों दोहां जीआं नूं सेवा करदिआं भावना विच देखिआ, ते मेरे साहब ने मुखो बचन किया, इतिहासकार दे बोल ने, साहब कहन लगे लालो साध, की आखिया लालो साध। अज असीं एवें हर एक नूं कह दिंदे हां साध, नहीं कोई साध्या होवे गुरु शब्द नाल जुड़िया होवे ते गल कुछ होर है। कहन लगे लालो साध, बड़ा संतोखी, धर्म मजूरी कर काया पोखी, त्रिया जिसकी बड़ी महान, पति को जाने भगवान। देखो कैसी गल कही है, ये बड़ा संतोखी साध है, जिन्ना क मिलता है उन्दे विच गुजारा करदा है, उस किरत करके विचों दसवंद कढ के सेवा करदा है, ते इस दी घरवाली बड़ी महान है, अपने पति का सत्कार भी कर दी है, ते आया गया दा सत्कार भी कर दी। ये सच है, कोई ऐसा अज भाई लालो जैसा, भाई लालो दी घरवाली जैसा जीवन बन जाए, एक ते दूजे दा आपस विच सत्कार करदे होण, आया गया दी सेवा विच जुड़दे होण। मेरे साहब ने बख्शिश रहमत कीती, भाई लालो दा मन घड़ दिता। और एक मैं बेनती कर लगा, जदों बाणी उचारी, इको एक भाई लालो जी ऐसे ने जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह जी ने सत वारी वे लालो करके संबोधन करदिआं सत पंगतियां विच सत वार भाई लालो दा नाम लिया। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों तहया, जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दे छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो, काजियां बम ना की गल थकी, अगद पड़ै सैतान वे लालो, मुसलमानियां पढ़ै कतेबां, कष्ट मैं करै खुदाए वे लालो, जात सनाती होर हिंदवानियां, एह भी लेखै लाए वे लालो, खून के सोले गावियां नानक, रात का कुंगू पाए वे लालो। ये सच है,
धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच भाई लालो दा सत वारी नाम दर्ज हो गया। और ये कह लईए कोई भाई लालो जी जैसा होवे गुरु नानक दे चरणा नाल जुड़िया होवे, क्यों ना गुरु नानक दी रहमत नाल जीवन दी काढ़त करन दी जाच बन जाए। ये सच सी, उसे शहर विच मलक भागो भी रहिंदा है, वो बुलांदा है, खीर पूड़ियां खवांदा है। इधर मेरे साहब मैं बेनती करा, साग खा के कुदरे दी रोटी खा के आनंदत ने त्रिपत ने उधर ओ मलक भागो दूजिया का हक खो के खून पीन वाले दे घर सदे ते भी नहीं गए, जदो बदो बदी फिर भेजे भी आओ ते मेरे साहब ने कह दिता सी असी रोटी खांदे हां खून नहीं पींदे। आ देख भाई लालो जिस दा भोजन पवित्र है उथे आप गए हां, तू लोकां दा हक खो के खान वाला खून पींदा, असी इस खून पी वाले दे भोजन नूं नहीं छकदे। ए सच सी, मलक भागो नूं भी भाई लालो दा नक्शा दिखाया तू धनवान बन पर किसे दा हक खो के ना खा। भाई लालो दी तरह भावें किरति भी होवे पर परवान है जीवन जे गुरु चरण ते गुरु शब्द की बरकत नाल जुड़िया होवे। साहिब रहमत करन भाई लालो जी दे जन्म दिहाड़े दी भी सारियां संगतां नूं हार्दिक वधाई, गुर शब्द की बरकत नाल जीवन सरशार करिए जी। मैं अपनियां भुल्लां दी खिमा मंगदे हां, बेअंत भुल्लां हो जांदियां, शब्द गहर गंभीर है, सतगुरु पासों साध संगत पासों खिमा की जाचना अपनी भुलां की करदा। हार्दिक तौर पर कोटान कोट धनवाद धन गुरु रामदास पातशाह जी के दर का, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर का हार्दिक कोटान कोट धनवाद करते हैं। समूह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध का तह दिलों धनवाद। मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह साहब जी का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जी ने शब्द पढ़िया तिना दा ते आप सारिया संगतां दा हाथ जोड़ जी आया कहिंदे आ बहुत बहुत धन्यवाद। आओ शब्द दिया दो पंक्तियां श्रवण करके मुड़ असी फतेह नाल सांझ पावांगे। मैं खिमा की जाचना भी ये करांगा कि लड़ीवार शब्द दी विचार करन दा पूरा मन सी पर नहीं कर सकिया। एक ते शब्द 32 पंक्तियां दा वड्डा भी आया नाल, इत्थे आउंदे पता चलिया भाई लालो जी दे जन्म दिहाड़े ते कुछ आखना सो सतगुरु जी दी असीस नाल जिन्ना क किया गया वो दर प्रवान करियो जी। आओ दो पंक्तियां पढ़ के मुड़ सतगुरां नूं मस्तक चुकांदे आ असी फतेह नाल सांझ पावांगे जी। लाए अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले, बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।